आप लोग के माध्यम से मैं हमारे कस्टमर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, हमारे गोल क्या हैं, हमारे प्लान क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आज के दिन के बारे में बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग 25वां फाउंडेशन डे जो हम लोग मना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कई एक्टिविटी प्लान की है। सबसे रिसेंट वन अभी लगभग 100 मीटर दूरी पे ब्लड कैंप लगा हुआ है। ब्लड डोनेशन कैंप जो है, इसको बीएसएनएल सन 2000 से लगातार कर रहा है। मुझे बताया गया है कि लगभग 1100 प्लस यूनिट अभी तक हम दे चुके हैं इन सालों में। आज भी 50 से 70 तक के ब्लड यूनिट्स जो हैं दी जाएगी। ये हमारे उस कमिटमेंट और हमारे वैल्यू को बताता है कि जिसमें हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। उसके अलावा आज जो दूसरे हम हिमाचल प्रदेश जो है 5 बिजनेस एरिया में बटा हुआ है। मेरा नाम विवेक जायसवाल है, मैं यहाँ पे चीफ जनरल मैनेजर हूँ। मेरे साथ में जीएम एंटरप्राइज बिजनेस मिस्टर राजन कंबोज एंड मिस्टर विजय प्रकाश जो कि जीएम मोबाइल देखते हैं। हमारे पास में 5 बिजनेस एरिया हैं बीएसएनएल में हिमाचल में। 5ों बिजनेस एरिया शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन और मंडी। यहाँ पे भी आज के दिन कई एक्टिविटी हो रही हैं। जो ब्लड डोनेशन कैंप हैं वो शिमला के अलावा धर्मशाला में लगाया गया है। आज जो हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं और पार्टनर्स हैं जिन्होंने कि पिछले साल अच्छा काम किया, उनको आज हम लोग ऑनर करेंगे। हम लोग पिछले 7 दिन से कुछ फंक्शन कर रहे हैं जिसमें कि हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को इन्वाइट किया था टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड स्केचिंग कंपटीशन में। वो जो बच्चे लगभग हमारे यहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से कुछ बच्चों को जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया और जूरी ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया उसको हम लोग कैश प्राइज देंगे। बेसिकली ये सब चीज़ें एक उस तरफ थी कि जिसमें हम लोगों को एक सर्विसेज के बारे में हम बता रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। बीएसएनएल के बारे में आपको बताऊं कि 2000 से जब हमारी जर्नी शुरू हुई थी, सन 2000 से 2002-2003 में जो पुराने लोग जिन लोगों को याद होगा जब बीएसएनएल ने 3G सर्विसेज लॉन्च की थी, 2G सर्विसेज और 3G सर्विसेज 2007 में लॉन्च की थी, एक एक किलोमीटर लंबी लाइन लगा करती थी। लेकिन समय के साथ में खासतौर पर 2015-16 के बाद में बीएसएनएल की मोबाइल सर्विसेज में थोड़ी गिरावट देखी गई। 2019 तक दौर और ज़्यादा खराब हुआ। रीजन बहुत क्लियर था कि हम लोग अपने नेटवर्क को अपग्रेड नहीं कर पाए थे। मैं रीजन्स पे नहीं जाना चाहता लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। भारत सरकार एक मजबूत स्तंभ की तरह बीएसएनएल के साथ में खड़ी हुई है। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे लिए सपोर्ट है कि बीएसएनएल 4G सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। अगर हिमाचल की बात करें तो 1068 4G मोबाइल टावर जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। टोटल 2000 मोबाइल टावर जो हैं 4G के लगाने हैं। और ये जो खास बात ये है कि ये जो 4G टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वो इंडिया में बनी हुई है। दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिनके पास में 4G टेक्नोलॉजी है। इंडिया में बीएसएनएल एकमात्र नेटवर्क है जो कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। जो सरकार का प्लान है और जो हमारा प्लान है, बीएसएनएल टॉप मैनेजमेंट का प्लान है कि इसके बाद में 5G भी आना है और 6G पे भी बातचीत शुरू हो गई है। सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा विषय, अच्छा साधन है कि जिसमें कि हम अपने कस्टमर्स को अपने ही देश में बनी हुई निर्मित टेक्नोलॉजी से सर्विसेज दे पाएंगे और ये किसी भी तरह से किसी दूसरी फॉरेन कंपनी से कम नहीं है। स्पेशली हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो करीबन 724 टावर्स ऐसे हैं 2000 में से जो मैंने बताया, ये वो टावर्स हैं जहां पे कि किसी भी ऑपरेटर का आज के डेट में 4G सिग्नल नहीं है और यहां पे बीएसएनएल जा रहा है। मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल इंक्लूसिविटी की जो स्कीम है कि सभी को 4G की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी है, वो इस माध्यम से हो जाएगी। उसमें से हम लोग 188 टावर्स लगा चुके हैं। ये पूरी जो हमारी स्कीम है वो हम 31 मार्च तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये है कि ये दिसंबर तक हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह से स्नो बाउंड एरिया में हमें कितना टाइम मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा भविष्य में मार्च के बाद से हम लोग 5G सर्विसेज पर बैकएंड पे काम शुरू हो गया है, स्पेसिफिकेशंस बन रहे हैं और मार्च के बाद से बीएसएनएल की 5G सर्विसेज भी लॉन्च होने की संभावना है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई निश्चित प्रोग्राम आया नहीं है लेकिन इंटरनल इस पर पूरी तरह से काम चल रहा है।
बीएसएनएल के साथ में, मतलब जब हम बात कर रहे थे कस्टमर के सर्विसेज को, जो मैंने कहा था बीएसएनएल रिसर्जेंट होके आ रहा है, तो हमारा जो पहला फोकस है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मेंटेन करेंगे, हम चाहे कितनी भी सस्ती सेवाएं दे दें, कस्टमर हमारी सर्विसेज पे नहीं खुश रहेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो काम किया कि नेटवर्क को अपग्रेडेशन का करने का काम किया। नेटवर्क जो है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इसका जो बैकबोन है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, और एक दो पार्ट होते हैं, एक तो बैकबोन होता है, एक एक्सेस नेटवर्क होता है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में, इसको ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं, और एमान इक्विपमेंट एमपीएस बेट एक्सेस नेटवर्क, वो हमने अपने नेटवर्क में लगा दी हैं। हम ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में हमारे नेटवर्क में चौकिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, और उसके आगे की प्लानिंग अभी से चल रही है। तो पहला हमने फोकस किया कि हम अपने बैकबोन नेटवर्क को स्ट्रांग करने का काम किया। दूसरा हमने ये किया कि एक्सेस नेटवर्क को स्ट्रांग करने का काम किया, क्योंकि कंजेशन कहीं पे भी हो सकता है। तो जो हमारे कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम रहती थी कि कंजेशन आ रहा है, स्पीड डाउन हो रही है, ये आने वाले समय में नहीं रहेगी। 4G सर्विसेज के लिए भी यही नेटवर्क बैकबोन का काम करेगा, क्योंकि डेटा काफी तेजी से बढ़ने वाला है। ये सब ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 3 ईयर्स की हमने तैयारी कर ली है, नेटवर्क लगा दिया गया है। अब नेक्स्ट है कि हम कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिव या अफोर्डेबल प्राइस पे कर रहे थे। एक हमने कंपैरिजन बनाया था, जिसमें कि अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी है, उसकी जो प्राइसेस बढ़ा दी है। अगर आप कुछ पॉपुलर प्लान को कंपेयर करें, जैसे 2 GB पर डे का प्लान है 30 डेज का, हम उसको 199 में देते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर जो है 349 से लेकर 379 की रेंज में देते हैं। लगभग हमारा प्लान जो है वो 45% जो है ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये हमारे कमिटमेंट को बताता है कि डिस्पाइट रेवेन्यू लॉस हमें भी है, लेकिन फिर भी हम अपने बर्डन को कस्टमर पे पास नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संख्या हमारे साथ कस्टमर जुड़ें, और हमें हम उनको अच्छी सर्विस दें, उस तरह से हमारा रेवेन्यू बढ़े। कुछ प्लान मैंने आप लोग को जो प्रेस नोट दिया है उसमें डिटेल्स में दी, जो हमारे पॉपुलर प्लान है आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते हैं। हमारा दूसरा जो बिजनेस सेगमेंट है वो है फाइबर टू होम, हाई स्पीड होम वाईफाई सर्विसेज जिसे हम कहते हैं। ये हम लोग हिमाचल के कोने कोने में दे रहे हैं। इनफैक्ट बीएसएनएल जो है पूरे हिमाचल में नंबर 1 एफटीटीएच ऑपरेटर है। वो दूसरे स्टेट में स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका रीजन ये है कि हमारा फाइबर नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। तो ये सर्विसेज जो हैं, ये आपको 300 Mbps तक की स्पीड देती है, और इसकी जो सर्विसेज शुरू होती है वो 299 रुपीज से शुरू होती है। ये प्लान्स भी मैंने आपको दिए हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल है। सबसे जो मेन हमारा कस्टमर का जो पेन पॉइंट रहता था बीएसएनएल की कस्टमर सर्विस, उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं यंगस्टर्स प्रिफर करते हैं कि डिजिटल मीडिया से कनेक्ट होने के लिए, तो हम लोगों ने एक चैटबॉट सर्विसेज शुरू की हैं एफटीटीएच सर्विसेज के लिए। उसका नंबर है 1800-44444। आज आपका अगर एफटीटीएच कनेक्शन बंद होता था तो आप किसी को फोन लगाते थे बीएसएनएल में, आप किसी पार्टनर को फोन लगाते थे जो हमारे पार्टनर हैं। अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप इवन व्हाट्सएप पे भी अपनी कस्टमर जो है उस पर रजिस्टर करा सकते हैं। ये हमारा सिस्टम ऐसा कि 5 मिनट के अंदर वो हमारे पार्टनर के पास पहुंच जाएगा, वो जहां पे भी नंबर पूरा कॉमन है पूरे इंडिया में, लेकिन वो सिस्टम के थ्रू पहुंच जाएगा कि भाई आपके इस कस्टमर को यहां पे ये प्रॉब्लम है। आप उसके अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, अगर आपको नया कनेक्शन बुक करना है वो भी उसी माध्यम से बुक कर सकते हैं। मोबाइल सर्विसेज के लिए ये नंबर जो है 1503 है, 24 घंटे रहता है। ये कॉल सेंटर का नंबर है, और हिमाचल के कस्टमर्स के लिए हमने पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए ऑफिस टाइम में 10 से 5:30 बजे के बीच में एक लैंडलाइन नंबर दिया है 2629777। ये शिमला का नंबर है, एसटीडी कोड 177 है। अगर बीएसएनएल की 4G सर्विसेज से लेके किसी कस्टमर को कोई परेशानी है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट भी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। नेचुरली जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो कहीं ना कहीं 4G सर्विसेज जब लॉन्च हो रही है, हमारे एग्जिस्टिंग सर्विसेज भी साथ में चल रही है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन के इशू हो सकते हैं। वो सब इशू को सॉल्व करने के हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और एक टाइम बाउंड मैनर में हम करते हैं। कस्टमर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी इस तरह की बात हो तो हमें कॉन्टेक्ट करें, हमें सूचित करें, हम आपके पास पहुँचेंगे, हमारी टीम इन प्लेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज कर रहे हैं अच्छी कस्टमर सर्विसेज के लिए। ये बात हम तो जानते ही हैं, साथ में हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को जिए, मतलब उसको आत्मसात करें कि हम कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हमें उन्हें सर्विस देनी। ये एक स्लोगन नहीं है, ये इसको एक्चुअली करके दिखाना है। अगर मैं ग्राम पंचायत लेवल पर बात करूँ या गांव-गांव में जाने की बात करूँ, तो एक
भारत सरकार की भारत नेट स्कीम है, जिसमें कि हम लोग 800 किलोमीटर केबल डाला था जिसको हम मेंटेन करते हैं, और 252 ग्राम पंचायत को हमने कवर किया है 6 ब्लॉक में, और 158 ग्राम पंचायत को हमने सैटेलाइट के थ्रू कवर किया है। तो अभी जो है वो 3,255 ग्राम पंचायत हिमाचल में छूटी हुई थी। इसके लिए हम लोग भारत नेट, भारत सरकार भारत नेट अमेंडेड प्रोजेक्ट लेके आए, जिसको कि बीएसएनएल को इम्प्लीमेंट करेगा। 3 साल की टाइमलाइन है। मैं उसका साइज आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल का पिछले 60 सालों में जो नेटवर्क है वो लगभग 6,000 किलोमीटर का हिमाचल में ओएफसी केबल, आपकी बार ये 24,000 किलोमीटर का एडिशनल केबल डाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क हम डाल रहे हैं। पूरी गांव जो है वो रिंग में कनेक्ट होंगे। रिंग में कनेक्ट होने का फायदा ये है कि उनको स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट हम लोग 3 साल में कंप्लीट करेंगे। हम बीएसएनएल